नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। नीतीश कुमार के पार्टी जदयू के अंदर घमासान की स्थिति बनी हुई है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस बात की चर्चा अब राजनीति गलियारे में और खास तौर पे जदयू के अंदर खूब मच रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको याद होगा, दो तीन दिन पहले की ही बात है जब नीतीश कुमार ने एक बैठक बुलाई थी पार्टी के शीर्ष नेताओं की। बैठक में ललन सिंह और मंत्री अशोक चौधरी आपस में भिड़ गए थे, जो अंदर से बातें निकल के सामने आई कि दोनों के बीच में विवाद जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया। नीतीश कुमार ने भी इस विवाद को देखा, लेकिन नीतीश कुमार बिना कुछ बोले वहां से निकल जाते हैं। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि पार्टी के अंदर कलह की स्थिति वर्तमान में मची हुई है। दो गुट में जदयू कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आई। दो गुट में इसलिए क्योंकि एक गुट जो ललन सिंह अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हैं, और दूसरा गुट जो नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के चाहने वाले जदयू के अंदर जो उनके करीबी लोग हैं वो नीतीश कुमार के इशारे पर काम कर रहे हैं। अब देखिए, जो विवाद हुआ था अशोक चौधरी और ललन सिंह के बीच में, वो विवाद अभी थमा नहीं है। विवाद इसलिए नहीं थमा है कि जिस वजह से विवाद हुआ था, अशोक चौधरी ने एक बार फिर से ललन सिंह को ठेंगा दिखा दिया है। जमुई और बरबीघा को लेकर के विवाद छिड़ा हुआ था। ललन सिंह ने अशोक चौधरी से कहा कि आप बार बार उस जगह पर क्यों जा रहे हैं, बरबीघा में जाते हैं, जबकि वहां से आपको जो जमुई का प्रभारी बनाया गया था वहां से तो आपको हटा दिया गया, लेकिन आप बार बार उस क्षेत्र में क्यों भ्रमण कर रहे हैं, आपको उस क्षेत्र में जाने का कोई अधिकार नहीं है। तो अशोक चौधरी ने कहा था कि हम कोई भी काम आपसे पूछ के नहीं करते। जो इशारा हमें बिहार के मुख्यमंत्री और हमारे मुखिया नीतीश कुमार के तरफ से मिलता है, उसी इशारों पे हम काम करते हैं, हम आपकी बातें नहीं सुनेंगे। आज अशोक चौधरी सुबह सुबह एक बार फिर से बरबीघा निकल गए थे। ये तस्वीर जरा देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे ये तस्वीर चल रही होगी इस वक्त। देखिए, अशोक चौधरी पूरे अपने सेना के साथ, कहें अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक बार फिर से पहुंचे हुए हैं और कार्यक्रमों का शिलान्यास कर रहे हैं। कार्यक्रमों के शिलान्यास में अशोक चौधरी काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। अब उसके बाद से वो लिखते भी हैं कि बरबीघा भ्रमण के दौरान नीतीश सरकार द्वारा क्षेत्रवासियों को समर्पित योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया। थाना चौक पर श्रद्धेय श्री कृष्ण मोहन प्यारे उर्फ लाला बाबू जी के सम्मान में प्रतिमा का निर्माण कराया गया। इसके अलावा जयरामपुर मोड़ में DAV स्कूल तक सड़क का निर्माण शीघ्र होगा। नसीब बचक के अलुआ पार तिवरा सड़क शुरू हो गया है, इससे लोगों को यातायात में सहूलियत होगी। कार्यक्रम के दौरान मेरे साथ MLC अजय कुमार सिंह हैं, बरबीघा नगर परिषद के वार्ड पार्षद सह पूर्व सभापति रोशन कुमार हैं, नगर परिषद सभापति शोभा कुमारी, तमाम जो लोग हैं वो अशोक चौधरी के साथ नजर आ रहे हैं। और अशोक चौधरी की तस्वीर काफ़ी कुछ बता रही है कि जिस वजह से विवाद हुआ था अशोक चौधरी और ललन सिंह के बीच में, कहीं ना कहीं ललन सिंह के इन तमाम करतूतों के बाद, झगड़ा और विवाद के बाद पार्टी में एक बार फिर से कलह मचा हुआ है। नीतीश कुमार क्या खुद नहीं चाहते कि ललन सिंह इस पार्टी में रहे, क्योंकि जिस तरीके से विवाद हुआ, कई लोगों ने ये कहा कि ललन सिंह जो है वो लालू प्रसाद यादव की भाषा बोलने लगे हैं, चाहे ठाकुर और ब्राह्मणों के विवाद की बात हो, या फिर जहाँ एक तरफ ठाकुर और ब्राह्मणों के विवाद में जदयू कहीं ना कहीं इशारों में RJD के राज्यसभा सांसद मनोज झा पर हमले भी करती दिख रही थी, तो ललन सिंह ने इसे डिफेंड कर दिया। ललन सिंह कहीं ना कहीं जो राज्यसभा सांसद हैं राजद के मनोज झा, उनके समर्थन भी करते दिखे थे। जिसके बाद से अब देखिए विवाद एक बार फिर से बढ़ चुका है। नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी मंत्री हैं अशोक चौधरी, वो अब काफ़ी करीब उनके नज़र आ रहे हैं, और इसके बाद से चर्चाएं एक बार फिर से तेज हो गई हैं कि क्या ललन सिंह की वजह से पार्टी में कोई बहुत बड़ा टूट मचने वाला है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए भारत लाइव, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। Paytm नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।